शुक्रवार दोपहर को रानिया के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक स्विफ्ट कार व मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई जबकि महिला घायल हो गई। आपको बता दें कि रानी क्षेत्र के गांव फतेहपुरिया निवासी सुनील अपनी पत्नी, अपने 6 वर्षीय बेटे व एक अन्य रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में रानिया में रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रही स्विफ्ट कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में फतेहपुरिया निवासी सुनील व उसका बेटा और रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रानिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया है। कितने मिनट, 12 बज के कितने मिनट पे आई हुई है ये गाड़ी? गाड़ी ने ओवरटेक कर, बैक करियो, गाड़ी गलती है, बैक करियो, थोड़ा सा बैक करियो, थोड़ा बैक करियो भाई, थोड़ा सा बैक करियो, तो देखो जहाँ पे गाड़ी ओवरटेक होगी बाइक तो देख लियो कहाँ है, बैक कर। बाइक के अगले पास ना जवाक बैठा है, स्टीयरिंग खो गया और बाइक तो जाके इधर उधर भाई दबे उधर की। हां वो देखो ये वो देखो उधर तो गाड़ी खड़ी है, ओ गाड़ी सही जा रही है, लैंड तो परले में ही थी गाड़ी, उस गाड़ी गाड़ी थोड़ी बहुत हुई है लेकिन गाड़ी वाले की गलती है, सामने कुछ नहीं देखा उसने, पट्टी इधर है गाड़ी, पट्टी तो परले में रह जाए पुलिस साइड। आज दिनांक 5/2/21 को समय करीब 12:30 बजे रानिया शहर से मोटरसाइकिल पर 1-2 लड़के नौजवान और एक उनकी पत्नी और एक बच्चा सिरसा की तरफ आ रहे थे। सामने से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का चालक नाम पता ना मालूम अपनी गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड से लेकर आया और मोटरसाइकिल के सीधे हिट करके जिससे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 2 लड़कों की और 1 बच्चे की मौत हो गई। जनानी को पैरों में काफ़ी चोटें आई हैं, इनकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है और लेडीज का इलाज ये सिरसा से हो रहा है। तो सर क्या मामला दर्ज किया गया, किस मामले में? इसमें एक्सीडेंट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और गाड़ी चालक के खिलाफ अभियोग अंकित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी। तो सर गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया? गाड़ी को अभी मौका घटनास्थल पर जाएंगे, वहाँ से लेंगे।